एसकेजेपी इंटर कॉलेज में प्रशांत मिश्रा, मेरा बेटा मृतक आश्रित में जॉब करता है, जहां उसको जॉब करना बहुत मुश्किल है। आज एसटीएम आई थी जांच के लिए, तो उनने उनसे पूछा, लेकिन उसने कहा मुझे इस बिंदु में कुछ नहीं पता है। उनने कहा तुमने ये सारी फर्जी शिकायतें करवाई हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, और तुमने फर्जी शिकायतें करवाई हैं, तुम साइन करो इस पर। उसने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। तो उनने कही साइन तो तुझे करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी। और गार्डों से पकड़वा के और उससे साइन करवा लिए, फोन करा लिए। फिर मेरा बेटा रोता हुआ घर आया और कहने लगा मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा और मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मेरी बहुत बेइज्जती होती है और हम सब जगह न्याय मांग चुके हैं, लेकिन उसे कहीं न्याय नहीं मिला है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वह पूर्णतः निराधार हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को गुमराह किया गया है। प्रशांत मिश्रा की जांच मेरे द्वारा कल की गई थी, मौके पर सारे पक्षों को सुना गया था और प्रशांत मिश्रा द्वारा स्वयं ही 2 पेज का अपने ही राइटिंग में बयान दिखाया गया है। और मुझे लग रहा है कि किसी ने उस व्यक्ति को गुमराह किया है, वो काफ़ी सीधा लड़का है। और जो जाँच मैंने की उसमें मुझे निकल करके आया कि प्रधानाचार्य और प्रशांत की आपस में लड़ाई है। मैंने डीएम साहब को उसके लिए लिख करके बकायदा दिया है कि इन दोनों में से किसी एक का हस्तांतरण कर दिया जाए। लड़का क्योंकि मृतक आश्रित में लगा है, तो निश्चित रूप से मेरी संवेदना उसके प्रति है। और इस तरह के कोई भी प्रकरण में विपरीत परिस्थिति नहीं निकल के आई जिसके लगे कि उसके द्वारा कोई बहुत गलत कार्य किया गया है। जांच मेरे द्वारा पोर्टल पर कल ही अपलोड कर दी गई थी, यदि उसको पढ़ना है तो मैं उस पर पढ़ सकता हूँ।